अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं, सनिया उमेर, कैसी है क्या हाल सनिया? चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक, शुक्र है। अच्छा सबसे पहले तो मैं YouTube पर शुक्रिया करना चाहूंगी, उन्होंने 2x पे देखने का ऑप्शन जो स्टार्ट किया है ना, वो बड़ा मजे का है। बंदे को फॉरवर्ड नहीं करना पड़ता, जल्दी जल्दी आप देख लेते। वो अच्छा तो ये इसका मतलब बख्शी बचत के लिए हम मेहनत आप से ड्रामे 2x में देखने शुरू हो गई हैं? अब इतने बुरे हालात हो गए हैं। नहीं, कभी कभी बीच में बंदा देख भी ले, हीरो से सैड है तो चलो जल्दी जल्दी सही बात है, सही बात है। चले तो आज फिर हम अपने उन्हीं ड्रामों की कंटिन्यूएशन में अपना प्रोग्राम करते हैं जो हमने पिछले हफ्ते किए थे। तो फिर उन्हीं की हम देखते हैं कि कंटिन्यूएशन करते हैं और जी। फिर डिस्कस कर लेंगे कि आगे फिर और कौन कौन सी चीजें जो हम रिव्यू करेंगे। ठीक है ना? चलें तो जनाब, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यार मेरा जो सबसे फेवरेट ड्रामा ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, एवरीथिंग फॉरगॉटन, जो सबसे ज्यादा मुझे ड्रामा है, सब पसंद है, मेरे दिल के करीब है, वो रद है। इत्तफाक है, ये वैसे बहुत ही हैरत अंगेज बात है, बिकॉज मेरा ख्याल था कि कुछ एपिसोड्स के बाद जो है ना वो मेरा वो निकल जाएगा, जो इतना इंटरेस्ट है ना वो खत्म हो जाएगा, नहीं निकला। और अभी की ये जो आखिरी दो एपिसोड्स इस हफ्ते की आई हैं, ऑनेस्टली सनिया, जो इस सेकंड लास्ट एपिसोड थी, अभी लास्ट एपिसोड की बात नहीं करी, यार इतने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स थे उस एपिसोड में, एक ही एपिसोड के अंदर उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ था। और मुझे जो चीज अच्छी लगती है ना वो ये लगती है कि कोई मुझे प्रूव गलत करे। मैंने बहुत प्रिडिक्शंस की हुई थी इस ड्रामे के लिए कि ये अब ये होने वाला है, अब ये होगा, अब ये होगा, सब पे पानी फेर दिया इन्होंने। और हर चीज उन्होंने अनएक्सपेक्टेड है। बड़ी, हर चीज अनएक्सपेक्टेड की है, जो चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हाँ, एक्जैक्टली इन्होंने वो किया है। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। तुम बताओ तुम्हारा क्या इंप्रेशन था? मुझे भी ऑब्वियसली एपिसोड्स उनकी सही जा रही है। जो उसमें थोड़े से कैरेक्टर होल्स हैं, वो आई थिंक उन्होंने जान के डाले। जैसा ईमान थोड़ी अनोइंग हो गई है। एक बार आपने गलती की, आप उस पे शर्मिंदा हो कि मैंने शादी तोड़ी, बाप को हर्ट किया। आप दोबारा वही कर रहे हो कि बगैर पूछे कर रहे हो शादी, वो अनोइंग पार्ट था। लेकिन ये बात भी सही है कि लग रहा था हर चीज पे, हम शायद टिपिकल पैरामीटर्स में सोचते हैं कि हमें लगता है राइटर्स और नहीं जाएंगे। बहन का भी यही मुझे लग रहा था कि आखिरी किस्त तक रोती ही रहेगी, आखिरी किस्त में उसको अकल आएगी। बहन को टाइमली अकल आ गई। जैन कैसे एकदम से वो नेगेटिव हो गया कि मैं, अब तुम मुझसे बच के रहना। दैट वॉज सच अ बिग सरप्राइज, मजा आया उसमें। और वो अगर करे तो वो इतना से अच्छा भी लगेगा, बिकॉज उसके साथ तो बुरा हुआ है, चाहे माने किया है चाहे ईमान ने किया है। वो तो बीच में इनोसेंट था, तो वो भी एक मजे की चीज हो गई। एक चीज ये है कि एयर वाई हमेशा इंटेंस बहुत बना देता है, कि जरा ना लगाते हुए थोड़ा सा जरा आयतुल कुर्सी पढ़ के बंदा जाता है कि आज कुछ हो जाएगा कुछ कैरेक्टर्स के साथ, कि नुमान इजाज ना कुछ कर दे, हमारा हीरो हीरोइन सलामत रहे। तो जिस तरह इससे ज्यादा इंटेंस टॉपिक हम बहुत मेलो तरीके से दिखा देगा, हम इतना एग्जैजरेट और वो नहीं करेगा। घर बिक रहा है तो खामोशी से 2 एपिसोड में बिक जाएगा। हर कैरेक्टर इस तरह ना हाइप नहीं होता, लेकिन एयरवे का अपना स्टाइल है और ये अच्छा भी लगता है। शहरयार मुनव्वर पे माशाल्लाह बहुत एकदम से जो उसका है कि उसने कर लिया और उसने स्टेप ले लिया, और सारी एनर्जी उसने इस काम के लिए छुपाई हुई थी। और बीच में जो उसके डायलॉग्स भी अच्छे थे उसके साथ, के जो ऐसा ही होता है और मुश्किलें आ जाती हैं, इस तरह करके उसको तसल्ली दे रहा था। वैसे मैं बताऊं, मुझे जो चीज इसमें बड़ी, दो तीन चीजें, एक चीज मुझे थोड़ी समझ नहीं आई जो मैं पूछूंगी तुमसे, अगर तुम्हें समझ में आई तो तुम बताओ कि इनके अब्बा ने जो, आई थिंक जो सेकंड लास्ट एपिसोड था उसमें एक काम ये उन्होंने किया कि एक जो घर के तीन डिफरेंट फाइलें बना के तो तीनों बेटियों के हवाले उन्होंने कर दिए हैं, तो क्या उन्होंने घर बेच दिया? मतलब घर बेचने के बाद उन्होंने, क्योंकि फाइलें पहले कैसे बनी है, घर पहले उन्होंने बेचा नहीं, होगा तो फाइलें बनी होंगी ना। उन्होंने कस्टमर ढूंढ लिया और उन्होंने फाइल्स बना दी अपनी विल में कि ये इतना इतना मिल जाएगा। अच्छा बाद में शायद कोई और कोई चीज हो या कुछ हो, हाँ, वो मेरी समझ तो उन्होंने कहा नहीं था आ बस रही घर थी। बिकने लगा। हाँ तो मुझे समझ में नहीं आई कि जब घर बिका नहीं है तो फिर
फाइलें उनके हवाले कैसे कर रहे हैं, लाइक यू नो घर अभी तो बिका ही नहीं है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी उसके अंदर। दूसरा मुझे एक पता है एक चीज बहुत पसंद आई, जब वो शादी वाला जो सीन था ना, जब वो अपने बाप, एक तो मुझे समझ नहीं आती बेचारे बेचारे बूढ़े बाप को मारा कैसे नहीं है, मतलब अब बेटी ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। मुझे हर दफा लगता है कि इस दफा हार्ट अटैक से मर जाएंगे, इस दफा हार्ट अटैक से मर जाएंगे, मगर वो बेचारा वो बंदा अभी तक सरवाइव कर रहा है, पता नहीं कैसे, लेकिन है। कैंसर से मगर ज्यादा टॉक्सिक ईमान है की हाँ हरकतें। तोबा है, मगर वो जो सीन था जिसमें ये लोग बाप दोनों आते हैं और वो बाप को बताते हैं कि जी हमने दोनों ने निकाह कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा अब तो उसमें नोट करना सनिया, जब वो एंटर होते हैं ना उस वक्त इसकी शहरयार मुनव्वर की सालार की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो डिफरेंट होती है, और जब वो उसके बाप से जब वो वादा करके जब वो घर से निकल रहा होता है ना, वो बैक स्ट्रेट हो जाती है और उसकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली 180 डिग्री पे टर्न करती है। यार सलाम है इस बंदे को, बड़ा ऑनेस्टली मेथड आई वॉज एक्टर मैं ना यूं क्लैप कर रही थी कि लाइक यू नो क्या उन्होंने दिखाया है। और मेरा नहीं ख्याल बहुत लोग ये नोट करेंगे, बट लाइक इनिशियली बॉडी लैंग्वेज एंड लेटर, और उस बंदे ने इतनी खूबसूरती से उसको कैप्टिवेट किया है कि यार वो कहते हैं है। मतलब लाइक यू नो आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस वुमन, और उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब बाहर निकलता है इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैन के यू वो नो। अपने कैरेक्टर में भी है, मतलब एकदम से आपको ये नहीं लग रहा है जैन ने 360 डिग्री में एकदम से टर्न लिया। जैन तो पहचाना नहीं जा रहा, इसका अच्छा लग रहा है कि वो अंदर ही था उसके और वो अब ईमान की वजह से निकल रहा है। और ईमान ने भी जब वो घर में एंटर होते हुए उसका हाथ पकड़ा है कि नहीं अंदर चलते हैं, इन्हें बताते हैं, वो भी बड़ा एक छोटी छोटी चीजों में बड़ा एकदम से पॉजिटिव चीज आ रही है, बहुत तो जी वो अच्छा लग रहा नहीं बहुत है। मजा इनका आ मतलब रहा पावर का वाला है, हाँ पावर कपल स्टाइल का कुछ बनेगा इनका, वो क्लीशे रोमांस और वो चीज नहीं है, है। एक नहीं प्रॉपर पावर कपल बनने जा रहा इट्स वेरी डिफरेंट ड्रामा, और वो लाइक मामू तो सबसे टॉक्सिक मामू बन गए। है। हाँ हमसे इतनी उम्मीदों से उन्हें बुलाया था, उन्होंने क्या किया हमारे साथ। हमारे साथ क्या क्या, लेकिन पता है वो बीच बीच में चीजें पकड़ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे बेखबर नहीं है, वो उनको थोड़ा सा उनको जाल उनके गिर्द ऐसे बुना गया है, मगर ये कि वो इतने स्मार्ट हैं कि वो चीजों को पकड़ रहे हैं इधर उधर से करके कि बार और बार। ये है कि इतना लेट हो गया है कि अब सालार के एक आई थिंक नौकर के अलावा कोई भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक बहन और नौकर शायद जानता है कि उसको किस बात पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और वो वरना तो कोई भी नहीं समझ सक रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। बाकी जो जिससे भी पूछता हो कहता है नहीं वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, कोई और बहन का रोल, क्लैरिफाई भी नहीं कर। बहन का रोल भी आई होप कि वो कोई थोड़ा सा कोई बेहतर थोड़ा सा निकल के सामने आता, बिकॉज उसने सालार ने बाद में ये कहा कि मैंने अपनी बहन से डिस्कस कर लिया था लाइक यू नो बिफोर हाँ मैरिज, वो तो उसने पहले बहन से पूछा है, इजाजत ली है कि ये हाँ तुम्हारी क्योंकि शादी भी इसमें इन्वॉल्व है और वट्टा सट्टा है, तो उसने पहले बहन से इजाजत ली है, उसके बाद उसने जो है वो उससे निकाह किया है, विच इज अ बिग थिंग। बेचारे अब्बा ही रह गए बस। जिन्हें किसी ने लिफ्ट आया नहीं। आई थिंक जैन आएगा बहन के थ्रू, बहन को ही ट्रैप करके फिर इनकी लाइफ में वापस आएगा, बिकॉज बहन को वो छोड़ नहीं रहे, वरना तो बहन की सिर्फ जिक्र कर दें। बहन का आ रही इन्वॉल्वमेंट, एक आधा सीन कि वो शॉपिंग पे नहीं जा रही, वो ये नहीं कर रही, तो वो मुझे लगता है जैन इसके थ्रू ही वापस आएगा, क्योंकि वो स्टार्ट में अच्छा इंप्रेशन पड़ा था उसका। सही कह रही देख हो। लेते हैं यहाँ पे भी हम सच्चे साबित होते हैं कि नहीं। हाँ नहीं, तुम सही अब कह बस ये है कि दूसरा रही हो, इट मेक है ना। सेंस, आई थिंक ये सही कह रही हो कि वो वहां पे शादी करके, मगर फिर ये फिर वो वाला ड्रामा बन जाएगा, वो इश्किया नहीं था वो, हाँ फिर खान नमशा और वो बस हानिया आमिर वाला जो, हाँ खाना फिरोज। ये मुझे लग रहा है वो उस तरफ ना चले जाए यार, वो बहुत बहुत ही वो टॉक्सिक किस्म की चीज बन जाती है, हाँ तो अभी ये बच्चे। बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे, और हमें लास्ट एपिसोड में ये हिंट भी मिला है कि और किसी से नहीं डरता, माँ से बाप से अटैचमेंट नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई से डरता है, क्योंकि वो नादिया अफगन कह रही थी ना कि मैं बुला के रहती हूँ उसको, तो कहती नहीं भाई को मत बुलाएगा, वो से डरता है का। हाँ तो वो ये है कि विलन वो होगा, और बीच में जैन की कोई थोड़ी सी इनपुट होगी, और बाकी हमें अब इंतजार है कि हिबा इनको सबको कैसे सीधा करती। और करेंगे तो सीधा, वो तो सीधा अच्छे अच्छों को सीधा कर देगी वो,
तो लेकिन बहरहाल वेरी नाइस एपिसोड्स दोनों, बहुत मुझे मजे की लगी। स्पेशली जो सेकंड लास्ट वाली एपिसोड थी उसमें जो धमाके इन्होंने मारे ना एक से एक, वो बहुत जबरदस्त है। और अभी जो कल का एपिसोड था वो भी बहुत अच्छा एपिसोड था। तो अभी स्टिल इट्स गोइंग वेरी स्ट्रांग। तो बोर नहीं होने देते, आपको फॉरवर्ड नहीं करने देते, ये तो है। हाँ हाँ वो आपको स्पीड 1 में ही देखना होता है। हाँ वो रेगुलर देखना वो पड़ता आप 2 में नहीं देख है। सकते। चलें जी, आज ठीक मेरे ख्याल में हमने रथ के बारे में तो हमने बात कर ली। अब किस पे चलें, जेंटलमैन पे चलें? जेंटलमैन पे हम तो चले जाएं, लेकिन ये जेंटलमैन वालों ने किया क्या है? ये तो इतनी बड़ी कास्ट एक तो ली, जो कि मतलब टीजर में ही आप देखो ना तो जरूरी होता है कि आप साइड पे कोई न्यू कमर्स ले लो, कोई कुछ कर लो। सारे बड़े एक्टर्स इतने बड़े बड़े रोल्स में। एक तो अदनान सिद्दीकी इज 54 years old, हुमायूं सईद इज 52 years old, तो वो उसका एकदम से बड़ा और वो सब बनना। उसके अलावा हुमायूं सईद को ये जो नाजुक वाला जो है ना रोल, कि अभी अभी अहद ले रहा है कि मैं मोहब्बत नहीं करूंगा, आप 52 years की उम्र में, तो मुझे लगता था मैंने बहुत लेट कैरियर स्टार्ट किया है, तो ये तो माशाल्लाह मुझसे भी लेट है कि 52 years की उम्र में हलफ उठा रहे हैं और जिंदगी के प्लान्स बना रहे हैं। ये थोड़ा सा जो है ना जिसने अकल क्या, कोई चीज क्लिक नहीं कर रही, कोई चीज क्लिक हाँ नहीं। जिसने जिसने पहले ना देखा हो ना खलील और रहमान का ये शरीफ गुंडो वाला, जो कि ये काफी दफा कर चुका है, लंडा बाजार से शुरू किया था बाबर अली के साथ, फिर सम्मी खान के साथ वो लव लाइफ लाहौर, काफी दफा ये कर चुके हैं। जिन्होंने वो पिछले ना देखे हो ना उनको शायद ये लाइफ और ये चीजें मजे की लगे। तो इतनी बड़ी कास्ट लेके इन्होंने कुछ बेचारों ने बस गड़बड़ी कर दी है, बहुत प्रिडिक्टेबल और मतलब अजीब टू सा फेस्ड है बना हर दिया। कैरेक्टर। मतलब मुझे ये बताओ यार, मतलब मुझे मेरा जो दिल दुख गया ना, वो मेरा तो दूसरे सीन में दिल दुख गया। पहला सीन बड़ा अच्छा शॉट था, ऊपर से उन्होंने जूम कैमरा करके और एक बड़ा ऊपर से एरियल व्यू उन्होंने दिखाया। दूसरा सीन भी उसी सीन की कंटिन्यूशन थी, मतलब शॉर्ट सीन तो नहीं कहना चाहिए। जो तीसरा जो उन्होंने सीन दिखाया है जिसमें अहमद अली भट्ट और हुमायूं सईद जीप में बैठ के कहीं जा रहे हैं, यार ये 1950s में हमारे पास जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी ना, तो इसी तरह से गाड़ी में बिठा के पीछे प्रोजेक्टर चलाया करते थे। मुझे इसकी तस्वीर मिलेगी मैं लगा दूंगी इसके ऊपर। मतलब अब ये 2024 में आप मतलब लोगों को कितना बेवकूफ बनाएंगे कि आप इस तरह से पीछे प्रोजेक्टर चल रहा है, और वो नजर भी आ रहा है कि पीछे प्रोजेक्टर चल रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप उसको किस लाइन पे लेके जा रहे हैं? मतलब लाइक थोड़ा तो आप पैसा खर्च कर लें, थोड़ी सी कुछ कुछ कोई नई चीज लेकर आ जाए, और आप समझ रहे हैं कि फिर वो लोग जो है वो उस चीज को पकड़ेंगे नहीं। दिस इज क्रेजी। डायलॉग्स ठीक है, थोड़े थोड़े फनी है, मगर वो फनी भी मतलब फोर्स्ड फनी है, जबरदस्ती के फनी है। जो आपस की जो इनकी कन्वर्सेशन होती है, जो इज इट अ कॉमेडी ड्रामा बेसिकली, लाइक मुझे तो यही लग रहा है कि कॉमेडी है। नहीं, अगर ये ओपनली कॉमेडी बना लेते ना तो ये बच जाता। एक मुझे मूवी याद आ रही है अमरीश पुरी की थी हलचल, उसमें उसके चार बेटे थे, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, परेश रावल वगैरह, उनपे उसने पाबंदी लगाई थी कि कोई शादी नहीं करेगा। वो प्रॉपर थ्रू आउट कॉमेडी फिल्म थी, और इसको अगर वो कॉमेडी बना लेते ना तो ठीक था, चल जाता। फिर ये सारी चीजें मजे की लगती कि रिटायरमेंट की उम्र में आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं और वो एक ही उम्र के, इसको आप या तो ओपनली कॉमेडी बनाओ। उन्होंने इसको इमोशनल बनाने की कोशिश की है जो कि नहीं बन रहा, या तो टोटली फिर इमोशनल साइड पे जाओ, इमोशनल उसको से ज्यादा आप एकदम तो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। लिख रहे हैं जो 52, 56, 60s की उम्र में भी हीरो वाली हरकतें कर रहे हैं जो कि आवाम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई लॉजिक होनी चाहिए ना, कोई लॉजिक बने तो फिर बंदा उसको करे। और सीन्स की कोई कंटिन्यूटी नहीं बन रही, कोई उनके डायलॉग्स की कोई सेंस नहीं बन रहा, दिखाना क्या चाह रहे हैं कंफ्यूजन उसमें है। फिर ये जरनाब का जिसको दिल चाहता है, जसवा दिल चाहता है, हुमायूं सईद को आके थप्पड़ मार के चली जाती है। मतलब क्या उसको और कोई गुंडा इस पूरे शहर कराची में, उसको और कोई गुंडा नजर नहीं आता जिसको जाके ये थप्पड़ मारे सिवाय हुमायूं सईद के? तो ये कुछ मुझे बात समझ में नहीं आ रही। और भी तो लोग खड़े होते हैं ना, अगर उसको थप्पड़ मारने का इतना ही शौक है, किसी और को भी मार दे ताकि थोड़ा हमें भी दिल के ठंडक सुकून मिले। एक ही बंदे को पकड़ पकड़ के थप्पड़ मारने को क्या सेंस है इसका?
ये हमेशा जब कोई स्ट्रांग एक्ट्रेस बनाते हैं ना, जो के वो खातून है जो स्ट्रांग है, तो उसको बदतमीज बना देते हैं। हालांकि टू स्पीक योर माइंड यू डू नॉट हैव टू बी रूड, ये हमेशा गलती करते हैं। एक खातून जो अपने असूलों पे कायम है, सब कुछ है, वो ये बगैर रूड हुए भी कर सकती है। वो भी तो दादागिरी करी है ना यहाँ पे। चलो ये किसी और रिव्यूअर ने कहा था कि उसको इतनी दूर से गोली की आवाज आएगी, आ गई हो, लेकिन दो लोगों का अलहदा से फड्डा चल रहा है। थप्पड़ डिड नॉट मेक एनी सेंस। वो सिर्फ इसलिए मारे कि मेरे बाप की नींद खराब हो गई, बिल्कुल कहीं सेंस नहीं बढ़ती। ज्यादा से ज्यादा वो हैरान हो सकती थी, वो ये कह सकती थी कि इधर लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ और बात होती। थप्पड़ ही मार दो आप उसको, आपको क्या पता कौन कितना फॉल्ट पे। आप एक स्ट्रेंज सीन में आए हो जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको पता है कि लड़ाई हो रही है और आपने थप्पड़ मार दिया। और आप एक उसका कैरेक्टर रिपोर्टर, एकदम से बहुत और आप एक रिपोर्टर दिखा रहे हैं। रिपोर्टर का काम ये नहीं होता कि वहां पे जाके वो लोगों को थप्पड़ मारे। रिपोर्टर का काम होता है रिपोर्टिंग करना, और रिपोर्टिंग जो होती है वो नॉन बायस्ड होती है। जो वहां पे सीन चल रहा है वो उसको आप जो है ना वो कैप्चर करें, उस पे जो है वो आप बाद में हाँ आर्टिकल लिखें, शो करें, थोड़ी सी उसकी कवरेज लें, आप जो है वो बताएं दुनिया को कि भाई यहाँ पे फलानी जगह पे ये हो रहा था। दैट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस। मगर ये पता हाँ वो नहीं, कैमरा लेके आती, लड़ाई हो जाती, वो बात और थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे वाकई में नहीं समझ में आ रही कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं। और फिर वो अब उनको बेचारों को दुख हो रहा है, मैं हमारा प्रोफेशन इज्जत वाला नहीं है, हमें जो है वो प्रोफेशन बदलना चाहिए। लाइक आई डोंट नो, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रही हूँ अभी, सिर्फ क्योंकि दो ही एपिसोड हुए हैं, लेकिन दो एपिसोड्स में अगर इन्होंने इतना डिसअपॉइंट कर दिया, जो कि इनके सबसे इम्पोर्टेंट सीन, इम्पोर्टेंट एपिसोड्स थे लोगों को कैप्चर करने के लिए, तो मुझे इस ड्रामे से ज्यादा उम्मीद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं है। मुझे भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक तो मोहब्बत को जबरदस्ती का घुसाया हुआ है बीच में। अदनान सिद्दीकी से भी मोहब्बत की बात हो रही है कि आपको कभी मोहब्बत हुई थी हर बंदे से। पहले वाला चलो समझ आता है कि वो अली भट्ट के साथ उसने गलत किया, वो आगे बदला ले, वो चीज समझ आती है। 16 साल का ये लड़का कर रहा हो ना, जिसका कैरेक्टर डेवलप ना हो, जिसने दुनिया में कुछ ना देखा, तो चलो समझ आती है सही बात है। कि गुंडागर्दी में भी आ गया, फिर मोहब्बत भी हो गई, फिर यहाँ भी चला गया। इसने चमेली की कपूर था, आपने प्रॉपर अब कहीं बता लेने की जिम्मेदारी दी है, एक इलाके का वो डॉन है। वो उसको 52 साल की उम्र पहली बार मोहब्बत हुई, चलो हम मान लेते हैं कि 52 साल में उसको आज तक मोहब्बत ही नहीं हुई, और फिर एकदम से हो गई उससे जिसने कहा मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं। तो वो पता मतलब नहीं आजकल क्या ड्रामे कितने देख रही हो, लेकिन सनिया मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आजकल तकरीबन हर ड्रामे में हीरोइन हीरो को थप्पड़ मार रही है। मैं अब पता नहीं मैं कहाँ से गिनना शुरू करूं, मगर अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि अच्छा हर ड्रामे में हीरोइन हीरो को थप्पड़ मार रही है, और उस थप्पड़ से हीरो को मोहब्बत हो जाती है उस हीरोइन से। अब अगर ये ट्रेंड चल निकला तो तुम सोचो हमारे मुल्क में क्या होगा। मतलब जिसकी भी शादी ना हो रही हो वो जाए बाहर निकले और जो भी नजर आता है उसको जोर से जाके थप्पड़ मारे, इसका मतलब रोमांस शुरू, शादी शुरू और ड्रामा शुरू। मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो, मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब एक ड्रामे में दिखाएं तो समझ आती है, मगर यहाँ तो मतलब मल्टीपल ड्रामों के अंदर मैं यही सेम चीज देख रही हूँ कि हीरोइन जो है वो थप्पड़ मारती है और हीरो का इश्क हो जाता है। नीचे कमेंट्स में लोगों को पसंद भी आ रहा है कि हाय मुन्ना इतना दिल हुआ कि बेचारे को इतना अच्छा लग रहा है, उसको मारा, उस कुछ नहीं बोला, सच अ जेंटलमैन। मैं कहा शायद यही जेंटलमैन उन्होंने दिखाना चाहे, अच्छा थप्पड़ बर्दाश्त कर रहा है। हालांकि आप वही असूल जनाब पे होता, यही औरत कर रही होती तो गलत होता। आप दूसरी पेंडुलम की तरह ना, पहले औरत पे तशद्दुद दिखाते थे, अब पेंडुलम दूसरी साइड पे चला गया कि मर्द पे दिखा रहे हैं। मैं तो बहुत वो और हाँ डिसअपॉइंटेड हो गए इस पे, तो मुझे कोई खास नहीं मजा आ रहा। मुझे भी नहीं मजा आ रहा। ठीक है देखना है, क्योंकि हाई प्रोफाइल का ड्रामा है और अच्छी कास्ट का ड्रामा है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग ड्रामा है। ड्रामे पे चलते हैं, मेरा ख्याल है जर्द पत्तों का बन, तुम्हारा जी क्या ख्याल है इसके बारे में? ड्रामा बहुत अच्छा है सारा कुछ। इस पे एकदम से कंट्रोवर्सी भी हुई है, आई थिंक शहजाद ज़ोया ने ट्वीट की है किसी बारे में, जो कोटेशन इसकी इस एकादी वो भी चल रही है। पॉजिटिव ड्रामा है, मजे का है। इसमें भी शायद हमने सज्जल को इतने मेच्योर रोल्स में देख लिया है, हालांकि शी डज नॉट लुक, आप उसको 16 भी दिखाओगे तो 16 लगेगी। सज्जल माशाल्लाह इतनी प्यारी, इतनी सिंपल, सारा कुछ है।
तो वो सारी चीज है। तो मुझे भी ये था कि थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए पढ़ाई से निकल के जिस तरह प्रोफेशन वाली साइड पे जाए, लेकिन एपिसोड अच्छा है। अब इसमें इतनी मेजर मेजर चीजें हो रही हैं लेकिन वैसे सेटल तरीके से गुजार देते हैं जो हमका स्टाइल। तो अच्छा ड्रामा है, आई वुड रिकमेंड इट। मौलवी पहली बार इन्होंने टीवी में पॉजिटिव दिखाया, आई थिंक ये सच में फर्स्ट टाइम हुआ है, वरना मौलवी तो जो भी दिखाते थे वो यही था कि बीवी बच्चों को बोलने नहीं देता, ये नहीं करने देता। इस बार इन्होंने ये अच्छी चीज दिखाई है कि मौलवी ही बच्चों को लेके आया है कि आप सुनो, फिर बेबूदे आबादी आप सुनो। बहुत क्यूट, बहुत क्यूट। और ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सीन जिसमें वो टॉफी देता है सज्जन अली को, लाइक यू नो आप पास होने के ऊपर मिठाई के तौर पे वो स्वीट खिला रहा होता है, दैट वाज अ वेरी क्यूट सीन। और ऊपर से ये जो उसके तीन भाई निकाल के लेकर आए, चार हैं कि तीन हैं, चार हैं शायद, वो भी चार है, बहुत, चार हैं, और वो सबके अलग अलग यू नो तरीकेकार हैं, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पढ़ा लिखा कोई भी हाँ नहीं है, और वो सिर्फ एक घर में लड़की है जो कि पढ़ी लिखी है, बाकी चार भाई जो हैं वो कोई इतने हाईली एजुकेटेड नहीं लग रहे। और अगेन अब्बा का रोल, वो जो स्पेशली वो जो गाना उन्होंने वो किया हुआ था वो पंजाबी में, पानी पटके क्या है खटन गया सी जो है भी है, जो हाँ जिसमें बाप नाच रहा है, बारी बरसे खटन गया सी। हाँ इतना वो उन्होंने प्यारा उसको जो है ना वो पिक्चराइज किया गाने को, और जिस तरह से सज्जल ने उसको सुपर्बली उस पर डांस किया है, वो हाथ नचा नचा के, और वो बिल्कुल टिपिकल तरीके से, और अब्बा की खुशी वो भी बहुत देखने हाँ वाली है, और जिस तरह से भाई जो है वो बिल्कुल इस बात पे खुश नहीं है कि जी बहन पड़ गई। लाइक ओवरऑल आई थिंक बहुत मजे का ड्रामा है। और इवन उसका जो दूसरा साइड है वो डॉक्टर वाला साइड, जिस तरह से वो उन लोगों को चैलेंज कर रहा है, और वो चैलेंज करके उनको कह रहा है कि क्योंकि ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी खातून है वो, उनका अपना हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद भी ही हैज द करेज टू स्टैंड अप एंड जो है वो कहे कि नहीं इन पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए, विच इज कमेंडेबल। तो आई लव दिस प्ले, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो और इन्होंने मजे का गाना जो डाला बीच में, पकड़ो पकड़ो देखो कोई पढ़ ना जाए लड़की, वो एकदम से इतना अच्छा, जो उन्होंने इंटेंस हाँ सिचुएशन है सो कितना अच्छे तरीके से बताया कि हर कोई एंजॉय करके देखेगा उस सीन। बहुत अच्छी, सारे भाई कैसे दौड़ते कि हमने बस रोक लेना है पढ़ने से। दैट इज सो क्यूट। हाँ नहीं बड़ा क्यूट ड्रामा है, बहुत क्यूट ड्रामा है, आई थिंक एवरीबॉडी शुड वॉच दिस। ये थोड़ा सा वो कश्यप फाउंडेशन का, आ जाएगा ना तो और मजे का होगा, बिकॉज वो फिर थोड़े से सज्जल और हमजा के जैसे सीन होंगे, तो हाँ वो चीज सही है। और क्योंकि मुझे मेरा मुझे ये लगता है कि हमजा इंक्वायरी बिठाने में कामयाब होगा, जो उसके साथ जिससे को वो पसंद करता है डॉक्टर समथिंग, वो ही इसके हमजा के अगेंस्ट हो जाएगी और अपनी जॉब और सब कुछ बचा लेगी, वहां से वो हार्ट ब्रोकन होके आएगा एंड एवरीथिंग। हाँ दूसरा ये कि क्योंकि मोहम्मद अहमद साहब इधर भी आ गए, हमजा के वालिद साहब। बस अच्छा, लास्ट टाइम नूरुल हसन जिस तरह खई में नूरुल हसन, इश्क मुर्शिद में नूरुल हसन, मतलब बस करते हैं थोड़ा सा, जरा सा गैप ले लेना चाहिए फादर में। जेंटलमैन में ये अच्छी अब्दुल बात है उन्होंने खालिद अनम को लेके आए हैं। कलाम है, ये बताओ ना मुझे कि अब अब्बे जो बेचारे अब्बे करने वाले हैं वो हीरो के रोल कर रहे हैं, तो अब अब्बे किधर से आएंगे? ठीक ये तो सही है। है ना, उनका क्या कसूर है। उनका क्या कसूर? तो अब जब तक कि नए हीरो आए और वो आगे आए, तब तक फिर वो जो हीरो अभी आ रहे हैं वो अब्बे के रोल में आएंगे। अब वो छोड़ने को अपनी कुर्सी तैयार नहीं है, तो अब भुगतो तुम। चले ठीक मेरा है ये चलो। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट, अच्छा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में याद आया, मैंने जो पहले बात की थी कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने सज्जल से दिलवाई थी, माँ 100 अनपढ़ माओ से बेहतर है, हाँ ऐसा था कुछ, एग्जैक्टली, तुम्हारा क्या ख्याल है जो इसके बारे जो में? टीपू सुल्तान का था ना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है, उन्होंने उसको वो किया है चेंज। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे बड़े दानिश्वर गुजरे हैं शफाक अहमद साहब, वो जिन्होंने जाविया करते थे, लोग बैठ के उनकी बातें सुनते थे, कोई ग्लैमर कुछ नहीं, सादी सी बात बातें हो रही हैं और सुन रहे हैं, उसमें उन्होंने बारहा जिक्र किया था कि उनकी वालदा अनपढ़ थी, और उन्होंने बताया था कि अनपढ़ होने के बावजूद किस तरह उन्होंने दुनिया को समझती थी, बच्चों को कैसे उन्होंने हैंडल किया और उन्हें बच्चों को क्या तरबियत दी। अब उनको जो भी उस वक्त के हालात होंगे, जो भी होगा, बिग डील नहीं थी कि स्कूल में पढ़े, सिर्फ पढ़ा लिखा होने की बजाय आप इसको शऊर से रिप्लेस कर देते,
शऊर होना कॉलेज की, स्कूल की, इन चीजों की एजुकेशन से नहीं है। अल्लाह माफ करे, हमारे नबी उम्मी कहते थे खुद को, वो भी पढ़ना लिखना नहीं जानते। पढ़ा लिखा होने की बजाय सिर्फ ये डाल देते कि बाशऊर माँ, एक बाशऊर माँ 100 गैर बाशऊर माँओं से बेहतर है, तो सारी स्टेटमेंट ठीक होना था, क्योंकि पढ़ाई से शऊर का ताल्लुक है भी नहीं, और नहीं भी, उसके बगैर भी आ सकता। बहुत सारी पढ़ी लिखी माएं देखी हैं मैंने जो कि जाहिल हैं, और बहुत सारी जाहिल माएं देखी हैं जो कि पढ़ी लिखी औरतों से कहीं ज्यादा बाशऊर हैं। मुझे ये बहुत, स्टेट जब मैंने जिस वक्त बिल्कुल सुनी सही। थी उसी वक्त मुझे इस बात ने हिट किया था कि दिस इज नॉट द द द द राइट स्टेटमेंट, और इस बात को कंडेम करना चाहिए। बिकॉज देखो, हमारी जनरेशन, हमारी माएं पढ़ी लिखी थी, ठीक है, उनकी माएं पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन चीज आ रही है। नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हमारी जनरेशन हमारी माओ की जनरेशन से बेहतर है? नहीं, उन्होंने हम लोगों के ऊपर मेहनत की, उसके बाद जाके हम लोग वो बने जो हम बने हैं। तो आई डोंट थिंक इट हैज गॉट एनी थिंग टू डू विद एजुकेशन और नॉट एजुकेशन। इट हैज गॉट एवरी थिंग टू डू विद वो कितनी उसमें कितना शऊर है औरत में और कितना शऊर नहीं है। तो एजुकेशन से उसको रिलेट नहीं करना चाहिए। मुझे ये बात गलत लगी, एंड आई वांट टू से इट ऑन रिकॉर्ड कि नहीं, ये बात गलत है कि पढ़ी लिखी माँ, हाँ, पढ़ी लिखी माँ एक नई जनरेशन को बहुत बेहतर तरीके से संवार सकती है, मगर जो आजकल हम हालात देख रहे हैं, आजकल सारी माएँ तकरीबन पढ़ी लिखी हैं ज़्यादातर, ठीक है, गाँव में शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि 100% जितनी भी हमारी नई जनरेशन निकल रही है वो बहुत आला निकल रही है, वो स्मोकिंग नहीं कर रही, वो शराब नहीं पी रही, वो कोई और गंदा गंदी हरकतों में इन्वॉल्व नहीं है, या जो भी है अच्छी इंसान बन के निकल रही है? नहीं, नॉट लाइक दैट। अगर जियो के ड्रामे देखो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लगती है। ठीक है, हमने जर पत्तों का बंद कर दिया, अब मेरा ख्याल है हम अगली अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं जो कि है जान निसार। तो इस हफ्ते जान निसार की जो एपिसोड बहुत थी, प्यारा। जो जान निसार की एपिसोड थी दानिश तैमूर, अच्छा अब एक तो ये थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो गई है, बिकॉज वो जो दोनों जो इसके रोल हैं हिबा के, टेक्निकली वैसे तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, एक तरफ वो बिल्कुल वो, मगर मुझे फिर भी ना कभी कहीं कहीं ना मैं फ्लिप हो जाती हूँ, जान निसार से मैं उधर चली जाती हूँ रथ सेम में, और रथ से मैं जान निसार में आ जाती हूँ, बिकॉज वो हिबा का हेयर स्टाइल भी वही है, उसका गेटअप, उसकी सब चीजें, वो जिस तरह से वो बगावत वाला जो एलिमेंट है वो भी तकरीबन वही है दोनों ड्रामों के अंदर। तो थोड़ा सा मुझे उसमें जरा कंफ्यूजन हो रही है, बट नॉट टू टेक अवे द फैक्ट के हिबा बुखारी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन दिस ड्रामा एज वेल। बहुत अच्छा काम कर रही है वो, इसके अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और जिस तरह से उन्होंने दिखाया है कि वो उसके बेचारा वो जो क्या नाम है इसका, हारून शाहिद, उसकी बातों में आके, और वो जाहिर सी बात है उसको वो होता है कि एक उसको स्केप लगती है कि अपने घर के माहौल से निकल के आएगी। अब ये जो हारून शाहिद है उसकी शादी जो हो रही है वो हिबा की बड़ी बहन से हो रही है, एंड शी इज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो अभी जो लेटेस्ट ये जो एपिसोड थे इसमें यही हुआ है कि जब कभी भी वो देखने की कोशिश करती है उसको होने वाला बहनों ही कौन है, तो वो समहाव वो मिस हो जाता है और उसको उसकी शक्ल नजर नहीं आती, जो कि बहुत ही वियर्ड सी बात है, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इनको हम दे देते हैं इसका लीवरे। तो बहरहाल अब ये कि उनकी शादी, बहन की शादी जो हो रही है वो उनके अपने उनके अपने लवर से हो रही है, तो अब आगे क्या होता है ये पता नहीं। दानिश तैमूर फॉर अ चेंज, आजकल जो कि ट्रेंड है कि शरीफ गुंडे वो भी शरीफ गुंडे बने हुए हैं, और गुंडे हैं लेकिन शरीफ हैं, तो बहरहाल अच्छा कैरेक्टर है उनका। आई थिंक और बहुत अरसे से वो टॉक्सिक टॉक्सिक करते आ रहे थे, तो अब ये कि उन्होंने वो अपना टॉक्सिक पना हाँ, मोटा इस पना तो बार नहीं उन्होंने छोड़ा। जस्टिफाई किया हाँ है। हाँ, इस बार उसको जस्टिफाई किया है कि वो उसके साथ भी हुई है ज्यादती, कि उसको भाभी के साथ करनी पड़ गई, बच्चों को ध्यान रखना पड़ गया, लेकिन उसके भी जज्बात हैं तो उसको कोई और पसंद आ गई।
इस बार उन्होंने अच्छा पॉलिश करके बनाया उसका कैरेक्टर। पॉलिश करके बना। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा। मुझे सिर्फ भाभी की तड़प समझ नहीं आ रही है, भाभी की डेस्परेशन मुझे समझ में नहीं आ रही। सुकून से बैठी हुई है, इतना क्रिंजी लगता है वो, जिस तरह से वो अपने आप को फेंकने की कोशिश करती है ना, तो वो बहुत ऑकवर्ड लगता है, क्रिंजी लगता है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, शायद उनके अरमान है। वो फिर उसको नेगेटिव तभी दिखा सकते हैं ना, अगर आप ये दिखाएंगे ग्रेजुअली हो रहा है तो फिर इतना नेगेटिव नहीं लगेगा, बिकॉज दिखा तो हो गया है। अब उस तरह जरा क्रिंजी शायद दिखाना चाह रहे हैं कि फिर ताकि ये बाद में नेगेटिव रोल प्ले करें इन दोनों की तुम्हें लाइफ में। लगता है क्रिंजी? मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है। वो थोड़ा सा लग रहा है, ऑब्वियसली वन साइडेड जब होगा तो आपको लगेगा, वो ऑडियंस को एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं आती ना, क्यों पिछला ट्रॉमा भूल के इतनी जल्दी मूव ऑन करने वाला, सही थोड़ा सा बात, क्रिंजी तो हो ही जाता है। सही बात है, सही बात है। नहीं लेकिन ओवरऑल आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जा रहा है ड्रामा, और इट विल बी लवली टू सी कि वो, अभी उसको पता नहीं है कि वो उसका बहनोई है, अब वो उसके ट्रैप में फंसने वाली है, अब वो ट्रैप से निकलेगी नहीं निकलेगी, फिर वो कैसे इस तक आएगी। तो अच्छा वैसे मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं कि नो ऑफेंस टू दानिश तैमूर्स एक्टिंग टैलेंट्स हियर, लेकिन अगर तुम नोट करो तो दानिश तैमूर के पीछे एक पूरी पलटन होती है इसकी सिक्योरिटी गार्ड्स की। अच्छा उसमें जो इसका जो सबसे मेन सिक्योरिटी गार्ड है ना जाफर, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट एक्टर, तुम अगली दफा तुम नोट करना, ये जो जाफर साहब है ना उनकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं हर सीन में ना, वो इतने ऑन पॉइंट होते हैं जितने हीरो के नहीं होते। मतलब वो इतना जबरदस्त एक्टर है कि मतलब मेरा ध्यान टू बी ऑनेस्ट हीरो पे नहीं होता, हीरो के बॉडीगार्ड पे होता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। अब दानिश तैमूर का तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो भी होगा, खेलने के लिए बट आई थिंक ही हैज टू इम्प्रूव हिज एक्टिंग अ लिटिल बिट। दानिश तैमूर को थोड़ी अपनी एक्टिंग के ऊपर थोड़ा काम करना थोड़ी चाहिए। मोनोटोनस हो गई है, ऊपर नीचे एक जैसे रोल करके ना मोनोटोनस हो गई है दानिश की एक्टिंग, मुझे भी यही लग रहा आई थिंक ये जो दो तीन है। एक्टर, हमेशा अमीर, और वो भी मतलब डिस्कवर नहीं कर रहा कोई अपने आप को ना, वही हाँ अमीर बंदा लड़की से मोहब्बत हो गई ऐसे ही लास्ट उसके ड्रामे आए, हालांकि ये तो उससे तो छोटा ही है, उस हुमायूं सईद से तो काफी सारे रोल कर सकते हैं, इनको मिलते ही शायद यही है। यार बस वही बात वही है ना कि थोड़े से लिमिटेड एक्टिंग टैलेंट्स हैं, थोड़े से लिमिटेड हैं आई वुड से। जी अगले ड्रामे पे चलते हैं, जो मेरा बहुत मुझे मजा आता है, मेरा क्या कहना चाहिए, गिल्टी प्लेजर है, जान से प्यारा जोनी। मुझे मजा आता है, क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो दोनों हरी मिर्चें हैं ना, जिनको मैं हीरोइन है जो है, दोनों हरी मिर्चें कहती हूँ मैं उनको, तो जो हरी मिर्चें हैं वो लगता है कि जैसे सौतन नहीं लड़ती आपस में, तो वो एकदम से सौतनों की तरह लड़ने शुरू हो जाती। डोंट नो व्हाई। तो हालांकि नेबर्स है लेकिन लड़ती ऐसे हैं जैसे दो सौ लड़ती हैं आपस में। तो यार हर वक्त इतनी पायल तैयार रहती हैं, मुझे तो लगता है कि वो मतलब हर वक्त सैलून में रहती हैं, या क्या उनके घर के पास सैलून है, यानी वो बंदी घर से निकलती है या घर के अंदर के कोई सीन होते हैं, वो पूरी मेडअप होती है, फुल डार्क मेकअप होता है, बाल पूरे सेट होते हैं, ज्वेलरी पूरी भरी हुई होती है, मतलब आपके घर के अंदर का भी सीन हो रहा होता है, कुछ भी होता है, बट वो बंदी का एक बाल टस से मस नहीं होता। अगर तुम नोट करना कि बहुत ज्यादा ओवर इन्होंने जो है ना, हाँ ये तो वो ओवर मतलब ड्रेस्ड बहुत ओवर ड्रेस दिखाया है, मतलब इतना भी करने की जरूरत है, नहीं है। जब से आई थिंक उनका नंद ड्रामा हिट हुआ है ना तो उन्हें ऐसे ही कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि वो खातून जो है उन्होंने बड़े बर्न्स रोड के नीलोफर और क्या कितने ड्रामे किए हैं, जो बगैर मेकअप के भी कैमरा फेस कर सकती है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इसको टाइपकास्ट बहुत। बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। और मैं साथ में मैं कहूंगी राबिया जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और जो है बाकी जो एक्टर्स हैं, आई थिंक जाहिद अहमद मुझे बहुत मजे का लग रहा है इस ड्रामे के अंदर, मुझे हिमानी इरिटेट कर रही है, मगर फिर भी आई थिंक वो कैरेक्टर में है, वो कैरेक्टर ही इरिटेटिंग है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसका इरिटेट करना बनता है।
और एक मामिया का जो कैरेक्टर है ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज वो वाकई में सही मानों में हरी मिर्ची है. मगर उसका जो प्रॉब्लम एक दिखाया इस वाले एपिसोड में उन्होंने दिखाया था, उसके पास पता नहीं बिचारी के पास एक ही दुपट्टा है. अब जो भी वो सूट पहनती है ना, उस पे वो हरे रंग का दुपट्टा आ जाता है. अब ये क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता. पिंक जोड़ा होगा, उस पे हरे रंग का दुपट्टा, और वही दुपट्टा है, दुपट्टा एक ही है, और वो बाहर निकलेंगी तो भी वही दुपट्टा होगा, घर के अंदर बैठेंगी तो भी वही दुपट्टा होगा, दुल्हन बन के बैठेंगी तो भी वही दुपट्टा होगा. मतलब वो एक ही दुपट्टा है, इसका भी मैं प्रूफ लगा दूंगी, मगर वो दुपट्टा चेंज नहीं होता. तो या तो सेट के ऊपर एक ही दुपट्टा रखा है जो कि उनको हर तरफ पहनना पड़ रहा है, आई डोंट नो, बट उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए प्लीज. थोड़े से एक दो दुपट्टे और इनको दे दें तो बहुत और बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि वो अजीब शायद लग. नहीं है इसलिए उनकी वार्डरोब पे इस टाइम मेहनत नहीं की, पता है हाँ नहीं हाँ नहीं इस वो तरह तो उन्हें इसको समझ। हीरा मानी का भी है ना, कि वो भी एक ही जोड़े में होती है पूरे के पूरे एपिसोड में. चलो ठीक है, समझ आती है, एक ही दिन की कहानी है, चलो एक ही है, फिर बार बार तो कपड़े नहीं बदलेंगे. मगर वो एक पूरे सॉलिड कलर में होती है, अगर रेड कलर के जोड़े में है तो रेड कमीज, रेड शलवार, रेड दुपट्टा चल जाता है काम. अच्छा जी, तो इसके साथ ही आज का हमारा शो खत्म होता है, अख्तिताम को पहुंचता है. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, आप अपना फीडबैक हमें देंगे, और प्लीज जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस शो को, ताकि आप कुछ मिस ना करें. अब वो बेल आइकन और बाकी की कहानियां तो हर एक यूट्यूबर आपको बताता रहता है, तो वो उस पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और इसके अलावा फीडबैक अपना जरूर दें. कौन से ड्रामे हैं जो आप देखना चाहते हैं, कौन से ड्रामे हैं जिसपे हम आपको मजीद अपनी माहराना राय जो है वो उसके बारे में आपको दें, और हमारी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगती, तो प्लीज़ अपना फीडबैक आप ज़रूर हमें दीजिएगा. ठीक है, इसके साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह हम आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी जगह दोबारा मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. सनिया, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस वीक, और अल्लाह करे इसी तरह मजे मजे के ड्रामे हमें मिलते रहे और कुछ और अच्छे ड्रामे भी शामिल हो। इंशाल्लाह चलो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह, आमीन. ओके, अल्लाह आमीन। चलो। हाफिज.